بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویور امید کردی ہاں تسی ٹھیک ہو گئے الحمدللہ اسی میں ٹھیک ہاں اج میں بنا رہی ہاں سوجی تے میدے دے چینی والے ٹکڑے اج موسم بڑا اچھا ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تے میں کہنا ساون دا مہینہ ہے تے تھوڑے جے ٹکڑے بنا لئیے تے اپنے ویوراں نال وی شیئر کر لئیے मैदे ते सूजी की पमायश कर लो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक कप मैदा दो कप मैदा हो गया साडा दो कप मैदा है एक कप सूजी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दो कप ही समझ लो सूजी है दो कप मैदा दो कप सूजी फिर वेखो एक कप घर का आटा जेड़ा आटा आम आटा है ना गाँव का आटा होंगे वो मैं पा रही हूँ बिस्मिल्लाह ब्राउन आटा इन ब्राउन आटा आख देना ये तीनों चीज़ा मैदा सूजी ते आटा ये मैं मिक्स कर लिया हूँ इन्हों मैं अच्छे तरीके नाल छान लवांगी साफ सुथरा कर लवांगी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम विवर वेख माशाल्लाह पांच कप साडा है आटा दो कप मैदा दो कप सूजी ते एक कप घर का आटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐ एक कप मैं देसी घी पा रही देसी घी साडा अपना घर का घी बिस्मिल्लाह दो चम्मच सफेद तेल है वह मैं पा रही हूँ एक चम्मच भर के सफेद जीरा पा रहे माशाल्लाह पांच कप साडा आटा है दो कप मैं चीनी पावा मैं ज्यादा चीनी नहीं पाती कम पाती एक कप पे से पानी जा रहे थोड़ा जा माशाल्लाह रविवार वेखो इस तरह असी ना आटे दे विच घी मिक्स करना है वेखो ऐ मुट्ठी बन रही है ना इस तरह ऐ मुट्ठी बननी चाहिए मैं सेटिंग कर रही हूँ मैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं दो कप चीनी पाई है एक कप पानी पाया डेढ़ कप तो गुनगुना पानी करके ना चीनी में मेल्ट बना रही हूँ इस तरह मेल्ट कर
वेखो वीवर माशाला है ना, पांच छे लाचियां दे ना दाने काट के ना सफेद लाचियां तो उन्होंने असं पाउडर बना रहे हैं, एवे च पा रहे हैं। चीनी वाला जरा शीरा बनाया ना वो पा रहे हैं, गुनगुना गुनगुना है नीम गरम जे ज्यादा नहीं ना पाना, थोड़ा थोड़ा पा के बनाना है। चीज़ा तो मेहनत तक नहीं पाँदी है, मुड़े मज़े दिया ही बड़िया बनदिया अपन घर दिया चीज़ा होंदिया ना, बहुत मज़े दिया टेस्टी साफ सुथरिया चीज़ा होंदिया। ये तो होंगे ना भी इन्होंने कोई मिलावट वाली गल नहीं है। वेखो भी बार माशाला आटा साडा इस तरह गुज गया है, अस आटा गुन गया इस तरह, इन घिसना चंगी तरह इन कर करके ना ये फिर बड़ा अच्छा बनेगा। सूजी है ना घ्यो थोड़ा जो फुंडी है, थोड़ी देर फुंडेगी सूजी, फिर थोड़ी देर इन रेस्ट देना है, रेस्ट दे के तो फिर इन गुनना है चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। बिस्मिल्लाह दोबारा वेखो माशाला असं उन्ना टिकड़े बना रहे हैं, बन जाते हैं बार मैं क्या इस तरीके बना ली है, जल्दी जल्दी बने इतने इतने पतले रखने, ज्यादा मोटे भी नहीं रखने, शेप देने। आटा माशाला सादा बड़ा मुलायम तो मज़ेदार बन गया, इस तरह ना इन फिर फिर गो गो के ना इस तरह घिस घिस के फिर इन बनाना है इस तरीके ना, थोड़ा जहा दबा के बनाना पा तो थोड़ा जहा सख्त आटा होंगे ना। वेखो भी बार माशाला टिकड़े साढ़े कितने अच्छे बन रहे, मिठे मिठे टिकड़े चीनी आए। ये सारिया चीज़ा मैं मिक्स करके बनाए हैं, वेख लो कितने अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी बने, थोड़ा तोड़ के भी खावे। तेल वेच के दे सोने नजर आ रहे हैं,
माशाल्लाह देखो कितने अच्छे मज़ेदार टेस्टी मिठे टिकड़े साढ़े बन रहे हैं। इस तरह की तुसी भी रेसिपियां बनाइया करो। देखो माशाल्लाह कितने मज़ेदार टेस्टी टिकड़े बन रहे हैं। इस तरह के कलर दे इन्हां नूं कढ़ना, ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना। तीन तीन चार चार कट्ठे पा लेने। चूल्हा होवे या गैस होवे बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। मीडियम फ्लेम ते ना इन्हें फ्राई करना है कि क्यों है फिर बिच्चू कच्चे नहीं रहने। माशाल्लाह वीवर वेखो कितने अच्छे मज़ेदार साडे मिठे टिकड़े बन रहे। अज मौसम भी बड़ा अच्छा आ के हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैं क्या आज थोड़े जे ना मिठे टिकड़े भी बना लगे। सावन का महीना है ना, तो यह चीज़ा अच्छी लगदियाँ खाने वास्ते। नाले घर चीज़ा बनी हुई होवे ना, तो घर बाजारी बिस्कट वगैरह उन्हें तो यह बेस्ट होंगे, अच्छी चीज़ा होंगे। ज़्यादा घर साफ सुथरिया अपनी मर्जी की चीज़ बनाओ, नाले देसी घी पा के बनाओ। जिन्हों को है वो तो बनावे ना, जिन्हें बेचारे को नहीं अल्लाह उन्होंने भी दे रहे। मेहनत तो बहुत होंगी है, बहरहाल फिर तुम साड़ी वीडियो एंड तक वेखी करो, तो सानू मेहनत का फल भी दिता करो। वीवर माशाल्लाह वेखो कितने मज़ेदार क्रिस्पी साडे मिठे टिकड़े बने। असी इन्हां मिठे टिकड़े आंदे हैं, तुसी पता नहीं की आंदे, असी तो पंजाबी विच मिठे टिकड़े ही आंदे सब। ये बहुत मज़ेदार बने, बहुत टेस्टी बने ने, इतने क्रिस्पी हैं, तो विच्चू बहुत नरम है, बहुत मज़ेदार है। ऐ वेखो मैं थानू ना खड़का करके वेखूंगी किवें बने। बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी हैं, मज़ेदार हैं। इस रेसिपी नूं तुसी भी फॉलो करो, ते अच्छी अच्छी रेसिपी वीडियो बना, अच्छी अच्छी रेसिपियां बनाइया करो, अच्छे अच्छे खाने बनाए करो। ते साडी वीडियो नूं भी लाइक किया करो, शेयर किया करो, ते साडी वीडियो एंड तक वेखी करो। ते अल्लाह हाफिज़ हो, ते सबसक्राइब भी किया करो, ते सानू थोड़े हौसला अफजाई की जरूरत है कि तुम साड़ी हौसला अफजाई की करो, साड़ी वीडियो एंड तक वेखी करो कि असं बहुत मेहनत करते हैं वीवरां साड़ियां नूं। ते आज दी वीडियो दा असं करते हैं एंड। जे थानू वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, ते अच्छे अच्छे कमेंट करो, ते साड़ी वीडियो एंड तक वेखी करो, ते सबसक्राइब भी किया करो। ते अल्लाह हाफिज़ हो, ते फिर नवी वीडियो नाल थानू मिलांगे। हंसते रहो, वसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, सदा सलामत रहो।